हेलो स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हम सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है ठीक है ना प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है तो देखिए यहाँ पे ही आपको ये दो फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे एक तो ये और दूसरा ये ठीक है ना ये फिगर जिसमें इसका फ्रंट और बैक दोनों का एरिया सेम है और ये जिसमें जो एरिया बॉटम है वो डिक्रीज होता जा रहा है ठीक है ना इसको मैं और थोड़ा अच्छे से आपको दूसरे फिगर्स में एक्सप्लेन करती हूं जैसे देखिए ये क्या है इनको हम बोलते हैं प्रिज्म प्रिज्म कौन से होते हैं जिनका टॉप बॉटम एरिया ठीक है ना ये देखो ये वाला एरिया फ्रंट में आगे क्या है ये हेक्सागन है और बैक में भी क्या है हेक्सागन है ये फ्रंट में क्या है पेंटागन है बैक में भी क्या है पेंटागन है ये ट्रेंगल है और पीछे भी है। भी है 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 स्क्वायर स्क्वायर एंड पे ठीक ना तो मतलब अगर हम इसको बीच से कट भी करते हैं तो हमको सेम एरिया मिलेगा ठीक है ना कट करने के बाद जो भी हमें एरिया दिखाई देगा हेक्सागन का वो सेम एरिया होगा जो ये टॉप और बॉटम का है ऐसे यहाँ पे पेंटागन मिलेगा जो टॉप और बॉटम में है यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे इधर से कट करते हैं एक कट लगाते हैं अगर हम देखिएगा ये बैक इमेज हाँ यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे एक कट लगाते हैं ऐसे ठीक है, है ना तो हमें क्या मिलेगा UH! तो एक और ट्रायंगल ही मिलेगा देखो इस इसलिए इसका ट्रायंगल फॉर्म होगा ठीक है ना और उसका एरिया वही होगा जो ये फ्रंट एरिया था ठीक है ना इस ट्रायंगल का एरिया भी वही होगा जो फ्रंट एरिया था ठीक है सेम एरिया का मिलता है हमको किसमें प्रिज्म में ठीक तो ये सारे प्रिज्म के फॉर्म है तो इसका मतलब क्यूब भी क्या है क्यूब भी एक टाइप का प्रिज्म है 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 ना क्यूब भी क्या एक टाइप का प्रिज्म प्लस क्यूबोइड भी क्या है एक टाइप का प्रिज्म है ठीक है, है, है ना क्यूबोइड भी एक टाइप का प्रिज्म होगा अगर उसको भी हम कट करते हैं हॉरिजॉन्टली अगर टॉप बे बॉटम और टॉप सेम है हॉरिजॉन्टली कट करो तो सेम एरिया का पोर्शन मिलता है हम लोगों को राइट अच्छा तो फिर अगर ये प्रिज्म है तो फिर पिरामिड क्या है और प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है तो देखिए जैसे आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का अगर डिफरेंस पता है ठीक है तो ये दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब इनके सारे एंगल्स और सारे साइड सेम है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों कांग्रुएंट है, है ना पी क्यू आर एंगल और ए बी सी एंगल एंगल्स भी सेम है और साइड्स भी सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है बट अगर सिर्फ एंगल सेम है और साइड एक रेशियो में है ठीक है ना जैसे अगर ये वन रेशियो है तो ये टू रेशियो है ये टू होगा तो ये फोर हो जाएगा ठीक है ना ये वन पॉइंट फाइव होगा तो ये कितना हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा मतलब साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है टू रेशियो आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं सिमिलर बोलते हैं वही डिफरेंस होता है प्रिज्म और पिरामिड में ठीक है प्रिज्म में जब हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो जो भी हमें टॉप पोर्शन मिलता है उसका एरिया कॉन्ग्रुएंट होता है टॉप और बॉटम के है ना कॉन्ग्रुएंट होता है टॉप और बॉटम के और पिरामिड में क्या होता है पिरामिड में सिमिलर होता है ठीक है ना सिमिलर होता है मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होता है तो फिगर तो बॉटम से सिमिलर होता है बट एरिया डिक्रीज हो रहा होता है ठीक है ना प्रिज्म में एरिया सेम होता है पिरामिड में डिक्रीज होता है ठीक देखिए मैं इसका आपको और एग्जांपल्स अलग अलग समझाती हूँ

ठीक है ना हेक्सा मतलब सिक्स पेंटा मतलब फाइव साइड्स ठीक ओके आई थिंक आपको पिरामिड और प्रिज्म का डिफरेंस समझ में आ गया होगा ठीक है ना प्रिज्म में टॉप और बॉटम सेम पिरामिड में डिक्रीजिंग ठीक ओके देन अब जो हमें इसमें फिगर्स पढ़ने हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम उनपे एक बार देखते हैं उनको ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्यूबोइड क्यूबोइड में क्या होता है विड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है ना सो इट्स अ रेक्टेंगुलर पिरामिड ठीक है ना ये लेंथ और हाइट अलग अलग है तो देखो अगर हम ये बॉटम का एरिया कितना होगा अगर हम सिर्फ बॉटम का एरिया देखें तो बॉटम का एरिया इसमें होगा एल इन टू बी ठीक है ना इस बॉटम का एरिया होगा एल इन टू बी ये वाली जो साइड है है ना इस साइड का एरिया कितना होगा अगर ये मैंने हाइट एच लिया तो इस साइड का एरिया कितना होगा इस साइड का एरिया होगा एच इन टू बी राइट ना और जो ये बैक वाली साइड है ना पीछे वाली साइड जो है उसका अगर हम एरिया देखेंगे तो वो कितना होगा वो होगा एल इन टू एच ठीक है अब सेम जो बैक साइड है वही फ्रंट है जो बॉटम है वही टॉप है और ये जो लेफ्ट है वही राइट right है है ना तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा टू टाइम्स एल इन टू बी प्लस बी इन टू एच प्लस एच इन टू एल इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया टी एस एल इन टू बी टू टाइम एल बी बी एच और एच एल अब इसका वॉल्यूम कितना होता है इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल इन टू बी इन टू एच ठीक है अच्छा अब इस सेकेंड इसमें देखें दूसरा फिगर तो वो क्या है क्यूबॉइड ठीक है अब क्यूबॉइड में क्या होता है सारी साइड सेम होती है ठीक है ना यानी लेंथ विड्थ और ब्रेड सब सेम होगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो होगा देखिए टोटल सर्फेस एरिया अब एक साइड का एरिया कितना होगा? A तो टोटल कितने होते तो टोटल एरिया कितना होगा? A और वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब बेसिकली वॉल्यूम होता कितना है देखो प्रिज्म के केस में जहाँ ये, ये दोनों प्रिज्म है ना तो प्रिज्म के केस में वॉल्यूम होता है बेस एरिया इन टू हाइट ठीक है ना बेस एरिया इन टू हाइट ठीक तो यहाँ पे बेस एरिया कितना होगा ए स्क्वायर और हाइट कितनी है ए तो टोटल कितना यहाँ पे बेस एरिया कितना होगा एल इन टू बी और हाइट कितनी एच तो टोटल कितना हो जाएगा एल बी एच ओके तो आई थिंक इसमें कोई आपको इश्यू नहीं होगा अभी नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं और भी फिगर्स है देखिये ये क्या है सिलेंडर अब देखो इसका भी बेस टॉप और बॉटम का एरिया सेम है है ना इट्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रिज्म ठीक टॉप और बॉटम सेम है तो इसका एरिया कैसे आएगा सॉरी इसका वॉल्यूम कैसे आएगा तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है बेस का एरिया इंटू हाइट ठीक है ना बेस का एरिया इंटू हाइट तो बेस का एरिया कितना है बेस का एरिया है पाय स्क्वायर और हाइट कितनी है एच तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वी इज इक्वल टू पायर स्क्वायर एच ठीक है अच्छा अब इसके बाद अगर हमें इसका लेटरल हाइट देखना है ये जो ये जो कर्व सरफेस एरिया हमें ये देखना है ठीक है तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है सी एस ए होता है देखो सर्कम कितना होगा सर्कल का टू पाई आर और उसमें मल्टीप्लाई करो हाइट से तो एच तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया टू पाई आर एच अच्छा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो टोटल सरफेस एरिया में हम टू पाई आर एच के अलावा एक और चीज ऐड करेंगे दैट इज पाई स्क्वायर वो भी टू टाइम्स टॉप और बॉटम दोनों है ना तो इतनी पाई स्क्वायर तो इसमें से अगर हम टू पाई और आर को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या बचेगा एच और यहाँ पे क्या बचेगा टू पाईआर कॉमन लेने के बाद आर ठीक है ना ये हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक ओके अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर क्या है हमारे पास देखिये कौन ठीक है जस्ट वन थर्ड ऑफ सिलेंडर ऑफ सेम बेस ठीक है ना अगर एक सिलेंडर और एक कौन का बेस सेम है तो कौन का वॉल्यूम वन थर्ड ऑफ सिलेंडर होता है ठीक है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था सिलेंडर का वॉल्यूम था पाईआर स्क्वायर एच तो कौन का कितना हो जाएगा वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच बाय थ्री ठीक है ना अच्छा अब देखो ये राइट right एंगल कौन है ठीक तो अगर हम ये लेटर हाइट को एल ले लें तो पाइथागोरस लगाने के बाद एल की वैल्यू कितनी आएगी एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सी एस ए कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल बेस का एरिया कितना है पाईआर स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर को ले लो तो ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है? ओके, अभी हम फिगर देखते हैं तो फिगर हमारे पास क्या है फिगर है या या बॉल, ठीक है ठीक ना तो अब का देखो फेयर में हमें केवल वॉल्यूम चाहिए और इसका टोटल सरफेस एरिया क्योंकि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो सेम है ठीक है तो इसका वॉल्यूम होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक और इसका कर्व सरफेस एरिया या हम बोले टोटल सरफेस एरिया कितना होता है फोर स्क्वायर ठीक है ना कितना होता है फोर पाई आर इसको अगर हम आधा कर दें तो ये कितना हो जाता है क्या हो जाता है हेमी ठीक है आधा कर दें तो क्या हो जाएगा हेमी स्फेयर ठीक तो हेमी स्फेयर का फिगर कैसा होता है ये रहा हेमी स्फेयर राइट right? अब इसमें ये बेस है ब्लू वाला और ये कर्व पोर्शन है ठीक है तो अब अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा टोटल स्पेयर का हाफ तो टोटल का कितना था फोर बाई थ्री तो इसका कितना हो जाएगा इसका हो टू बाई थ्री पाई आर क्यूब अच्छा इसका टोटल सर्फेस एरिया कितना होगा टोटल सर्फेस एरिया में देखो हाफ तो एक कर सर्फेस एरिया है यानी टू पाई आर स्क्वायर प्लस ये बेस का जो एरिया है दैट मीनस पाई आर स्क्वायर तो टोटल कितना हो जाएगा ये थ्री पाई आर स्क्वायर ठीक है ना ओके okay. देन अभी तुम आपके में ना एक और भी आ, फिगर है जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम तो फ्रस्टम कैसे बनता है अगर किसी कोन को हॉरिजॉन्टली हम कट कर दें ठीक है ना ये कौन है इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली कट कर दें तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ठीक है इसका मैं आपको दूसरा अलग से फिगर दिखाती हूँ देखिये फ्रस्टम कैसा होता है फ्रस्टम ऐसा होता है ठीक है ना तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया तो हमें क्या मिला फ्रस्टम मिला ठीक है ना अब इस फ्रस्टम में अगर ये हाइट जेड वन है ये हाइट जेड टू है और यहां जहां से कट कर रहे हैं वहां पर रेडियस आर वन है और रेडियस आर टू है ठीक है तो इनका जो रेशियो होगा ना आर वन अपॉन जेड वन इज इक्वल टू होगा आर टू अपॉन जेड टू ये याद रखिएगा आप लोग ठीक है ना रेशियो क्या होगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू जेड वन अपॉन जेड टू जो ये रेशियो होगा वही इनका रेशियो होगा ठीक है ना ये हाइट दी हुई है तो ये कैपिटल एच क्या है कैपिटल एच है हाइट ऑफ फ्रस्टम एंड दैट इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन ओके आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई होगी राइट right? अच्छा तो हमने ये सारे फिगर्स देख लिए ठीक है अब हम जरा एक बार इनके फॉर्मूलाज देखते हैं तो देखिए ये सारे फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बताया वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं आप चाहो तो इनका स्क्रीन ले सकते हो ठीक है हाँ फ्रस्टम ऑफ कौन का मैंने सर्फ सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है ठीक है ना आप इन सब का स्क्रीन ले सकते हो और इनको अच्छे से याद करिएगा ओके देन ये कुछ प्रिज्म जो है ट्राइंग प्रिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं लिटर बेस और टोटल तो सरफेस एरिया उसके बाद स्क्वायर का पेंटागोनल और हेक्सागोनल का ठीक है देन अभी देखिए मैंने ये समझ लिया है द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल फाइव टाइम्स एज हाई एज इट्स ब्रॉड बी कितना as as अच्छा uh, as as ठीक है ब्रॉड कितना है एक्स तो ले लेते हैं ठीक है ना देखिये लेट द ब्रेड ऑफ द वॉल इज एक्स तो हाइट कितना हो जाएगा फाइव एक्स ठीक है ना और लेंथ कितना हो जाएगा वन सेकेंड एट टाइम

वो हाइट का भी एट टाइम्स है यानी एट टाइम्स ऑफ 5x दैट मींस 40x ठीक है इतना समझ में आ गया ना अभी क्या बोला है इस 12.8 क्यूबिक मीटर तो अभी वॉल्यूम दिया हुआ है तो v दिया हुआ है कितना देखिए v इज इक्वल टू कितना होगा l b h यही होगा ना ठीक अभी v कितना दिया हुआ है 12.8 क्यूबिक यूनिट ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एल यानी फोर्टी एक्स इंटू फाइव एक्स इंटू एक्स ठीक अब जरा इसका मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो कितना आएगा ये हो जाएगा टू हंड्रेड एक्स क्यूब इज ट्वेल्व पॉइंट एट ठीक है तो यहां से एक्स क्यूब कितना होगा एक्स क्यूब इज ट्वेल्व पॉइंट एट अपॉन टू हंड्रेड ठीक है तो देखिए यहां से Uh, इसको मैं लिख सकती हूँ सिक्सटी फोर अपॉन ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा ये हो जाएगा थाउजेंड ठीक है अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ओके सो क्यूबिक का है ना तो देखिए ये कितना हो जाएगा ये आ जाएगा फोर और नीचे कितना आ जाएगा टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर बाय टेन और सॉल्व कर लो इसको तो कितना आ जाएगा पॉइंट फोर ठीक है यूनिट क्योंकि वो क्यूबिक यूनिट के फॉर्म में दिया तो हम यहाँ पे केवल यूनिट ही लिखेंगे ठीक है ओके देन okay. अब नेक्स्ट सम देखेंगे तो नेक्स्ट सम में क्या है देखिए ये वो दिया है एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है ठीक है ना क्या दिया है हॉलो सिलेंडर आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग हाइट कितनी 27 सेंटीमीटर इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 तो एक्सटीरियर डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ इट मींस 4 तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ये हो गई 4 राइट right? अभी इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस है 1 तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 4 1 इट मींस 3 ठीक है ओके आयरन का वेट दिया हुआ है फाइंड द वेट ऑफ पाइप ठीक है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट है 8 ग्राम तो अगर हम पूरा वॉल्यूम निकाल लें और उसमें मल्टीप्लाई कर दें देट से तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट तो देखिए हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा ठीक है तो एक्सटर्नल रेडियस क्या है फोर इंटरनल रेडियस क्या हो गई थ्री एक्सटर्नल वॉल्यूम देखिए ये सॉल्व किया है इंटरनल वॉल्यूम ये सॉल्व किया है ठीक है ना फॉर्मूला वही आ, क्या है इसका फॉर्मूला पाई ये आर स्क्वायर और एच ठीक वॉल्यूम ऑफ मेटल ये आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब तो वेट कैसे आएगा 462 में 8 ये देखो 8 ग्राम था 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 का वेट 8 ग्राम था तो 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा 3.96 किलोग्राम ठीक है आई थिंक ये आ गया आपको समझ में ठीक ओके देन नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं ना जिसमें दो फिगर ज्वाइन होते हैं जैसे क्या दिया हुआ है कि टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोइड अच्छा उनको ज्वाइन कर रहे तो फिगर कैसा बनेगा फिगर ऐसा बनेगा ये देखिए ये दो क्यूब्स है इनको ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड तो अब ये जो नया क्यूबोइड बन रहा है इस क्यूबोइड का हाइट कितना है फोर विथ कितना है फोर बट लेंथ कितना हो गया लेंथ हो गया फोर और फोर एट ठीक है ना लेंथ कितना हो गया लेंथ हो गया एट ठीक तो है तो एल है एट बी है फोर एंड एच भी है फोर क्या निकलना है सरफेस एरिया सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला क्या था टू टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा राइट ये देखिए तो आंसर कितना आएगा लास्ट में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है समझ में आया ओके देन नेक्स्ट सम अभी देखिए इसी टाइप का एक और सम देखेंगे हम जहां दो अलग अलग फिगर को ज्वाइन किया गया है जैसे ये ठीक है क्या दिया हुआ है अ सॉलिड इज इन ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ये है hemisphere, इसके ऊपर एक ही कोन स्टैंड है ठीक है विथ बोथ ऑफ द रेडियस दोनों का रेडियस कितना है वन सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ठीक है ओके okay.

ये है वन ठीक मैंने यहाँ पे थ्री लिखा ये, थ्री नहीं, ये वन है नहीं है 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 ठीक और क्या बोला गया है कि जो कोन का हाइट है ना वो किसके बराबर है रेडियस के बराबर है 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 तो ये भी ठीक ना कोन का हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है तो रेडियस कितना है वन सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट भी कितना है वन सेंटीमीटर ठीक तो टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा इस जो ये जो शेप बनाया गया है इसका वॉल्यूम कैसे आएगा वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है वन बाई थ्री पाई आर स्कवायर एच प्लस हेमिसफेयर का वॉल्यूम कितना होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब अब यहाँ पे आर क्या है वन और एच भी क्या है वन ठीक है तो हम पुट करते हैं जब आर की वैल्यू वन और एच की वैल्यू वन रखो तो ये कितना आएगा वन बाई थ्री पाई और यहाँ पे भी अगर हम वन रखें तो कितना आएगा टू बाई थ्री पाई सॉल्व कर लो आंसर कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब 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 क्योंकि ये वॉल्यूम का फॉर्म है ठीक है आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस कीजिए अगर आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर भेजूंगी ओके लास्ट में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है सारे फॉर्मूलाज का आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल पर लगा सकते हो सो so देट आप इसको बार बार देखोगे तो आपको फॉर्मूलाज जल्दी लर्न हो जाएंगे ठीक है ये ये फ्लो चार्ट मैंने लगाया हुआ है आप इसको बना भी सकते हो सो देट क्या आप जल्दी से जल्दी फॉर्मूलाज लर्न कर सको टिल बच्चों टेक केयर